हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। वर्क एनर्जी एंड पावर का एक क्वेश्चन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू रो अ बोट एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड। फोर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट स्पीड। इफ अ स्पीड वी किलोमीटर पर आवर रिक्वायर 4 kW पावर एंड हाउ मच पावर डज अ स्पीड 2V किलोमीटर पर आवर रिक्वायर। और ये चार चॉइस रखे। देखो क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन दो रखी है सॉल्यूशन में कि जो फोर्स रिक्वायरमेंट है, फोर्स जो रिक्वायर है वो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड। दैट मीन्स वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर है। तो प्रोपोर्शनल टर्म उठाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगा के वी स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में यहाँ गिवन है। हियर के को मैं एक कॉन्स्टेंट टर्म कंसिडर कर लेता, ठीक है। फिर कह रहा है आपसे इसमें, अच्छा एक जानकारी और दे रखिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है इफ स्पीड ऑफ वी किलोमीटर पर आवर रिक्वायर 4 kW वो 4 kW पावर, हाउ मच पावर डज स्पीड 2V किलोमीटर पर आवर रिक्वायर। देखो कैसे करें, देखो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही इसकी। तो लेट कर लेते कि हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो बोट इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, मतलब एफ और वी की डायरेक्शन सेम है। दैट मीन्स थीटा जे हुआ किसके बिटवीन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू, इस जनरल फॉर्मूला होता है पावर का, वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू फोर्स वेलोसिटी एंड कॉस थीटा, क्योंकि थीटा जीरो है। इफ थीटा जीरो तो पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, ये फॉर्मूला बन गया। अब केस नंबर वन में कह रहा है कि अगर वो कितनी स्पीड से चला रहा है उसको, वी स्पीड से मूव करा रहा है, स्पीड वी है ना, और पावर कितनी है, इतनी तो स्पीड है और पावर है 4 kW, इतनी पावर है और इतनी स्पीड है। तो देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसे, तो इसको P1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको V1 इज इक्वल टू V मान लेते हैं। तो क्या लिखें, पावर इज इक्वल टू F की वैल्यू देखो K V स्क्वायर, तो K P1 माना है तो K V1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V1 फर्स्ट केस में, इसीलिए P1 इज इक्वल टू K V1 का क्यू, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में कह रहा है कि उसकी स्पीड 2V कर दी है और पावर कितनी हो जाएगी ये पूछ रहा है, तो P2 इज इक्वल टू एफ इंटू वी वाले कंसेप्ट से F की वैल्यू हो जाएगी K V2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V2, इसीलिए P2 हो जाएगा आपका K V2 की पावर क्यू, इक्वेशन नंबर 2। इसीलिए P1 डिवाइड बाई P2 इक्वल टू, तो ऐसे ले सकते हैं K V1 की पावर क्यू ओवर K V2 की पावर क्यू। कैसे, तो K कैंसिल, P1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 और P2 हमें निकालना है, V1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है V और इसकी वैल्यू है 2V उसकी पावर 3, V से V कैंसिल। तो देखो ये 4 हो गया, ये P2 और इसकी पावर क्यू कर दें तो ये 8 हो गया, इसका से मल्टीप्लाई इसका से मल्टीप्लाई, P2 इज इक्वल टू 32 kW, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस आपके क्वेश्चन का सलूशन जरूर मिला होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू। डी चॉइस चॉइस है इसकी करेक्ट।